नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, संविदा कर्मियों के लिए एक मायूसी भरी खबर है। जी हां दोस्तों, मुख्य सचिव के साथ कर्मचारी संगठनों की जो बैठक हुई थी उसमें बात सामने निकल के आई है कि संविदा कर्मियों को नियमित करने का सरकार का कोई भी इरादा नहीं है। इसके साथ अन्य मांगों पर आश्वासन मिला है, लेकिन अगर हम नियमितीकरण की केवल बात करें तो उस पर सरकार ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया है कि नियमितीकरण करने का फिलहाल हमारा कोई भी इरादा नहीं है। लेकिन यहां पर अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का मामला इन सब चीजों से अलग हटकर आता है। ये मामला क्या है पूरा, अभी मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि संविदा कर्मियों को नियमित करने का शासन का कोई इरादा नहीं है, ये न्यूज निकल कर आई है। ये कल की न्यूज है और काफी तेजी से वायरल भी हुई है। आइए सबसे पहले हम पूरी खबर पर नजर बना लेते हैं। प्रदेश के संविदा कर्मियों को फिलहाल मायूसी हाथ लगी है। शासन ने संविदा कर्मियों को नियमित करने के प्रस्ताव करने संबंधी किसी भी प्रस्ताव से इनकार किया है। हालांकि सातवें वेतन समिति की संशुतियों पर लंबित निर्णय कराने जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते का भुगतान व सुनिश्चित करियर निर्धारण संबंधी शासनादेश की विसंगति दूर करने की मांग पर विचार के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल बीते दिनों मुख्य सचिव आर के तिवारी की अध्यक्षता में गठित समिति की कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार के लिए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के साथ बैठक हुई थी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मांगों पर चर्चा हुई। बैठक में हुए निर्णय व उस पर कार्रवाई संबंधी कार्यवाही जारी किया गया है। कर्मचारी नेताओं ने सभी विभागों के संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की थी, लेकिन शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि संविदा कर्मियों को नियमित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। पुरानी पेंशन बहाली संबंधी मांग पर भी कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। अधिकारियों ने यह जरूर आश्वासन किया है कि नौकरी में आने के साथ प्राण खाता खोलने की व्यवस्था अनिवार्य की जाएगी। इसके लिए वित्त विभाग को अलग से शासनादेश जारी करने को कहा गया है। संगठनों की ओर से जुलाई में मिलने वाले महंगाई भत्ते के भुगतान का भी मामला उठाया गया। इस पर वित्त विभाग को विचार के निर्देश दिए गए हैं। 29 सितंबर 2020 के शासनादेश में ACP संबंधी विसंगति दूर करने के लिए भी वित्त विभाग को निर्णय लेने को कहा गया है। यानी कि इस खबर के अनुसार समस्त संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का शासन का कोई भी इरादा नहीं है। जो बैठक हुई थी उस बैठक में ये बात खुलकर सामने आई है कि फिलहाल अभी नियमित नहीं किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अनुदेशक शिक्षा मित्रों की। तो अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का मामला बिल्कुल अलग हटकर आता है, क्योंकि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का नियमितीकरण जो है वो नई शिक्षा नीति के आधार पर होना है। यानी कि नई शिक्षा नीति में जिस तरीके से बिल्कुल साफ तौर पर कह रखा है कि शिक्षा विभाग से संविदा शब्द को खत्म करना होगा, इसके लिए या तो आप संविदा कर्मियों को हटाएंगे, नहीं तो उनको प्रशिक्षित वेतनमान देते हुए उन्हीं के पद पर नियमित करेंगे। यहां पर आपको बिल्कुल समझने वाली बात है कि नई शिक्षा नीति के आधार पर ही आपके आने वाले भविष्य का निर्माण होने वाला है। इसलिए इस तरीके की खबरों से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि नई शिक्षा नीति के आधार पर ही सब कुछ क्लियर है कि नई शिक्षा नीति ही आपको नियमित कराएगी। क्योंकि जिस तरीके से उसमें साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि आपको संविदा शब्द समाप्त करना होगा, और नई शिक्षा नीति जिस तरीके से लगातार लागू की जा रही है उसके आधार पर ही अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का बेड़ा भी पार होगा। इसलिए इस तरीके की खबरों पर आप ध्यान ना दें। फिलहाल अन्य संविदा कर्मचारियों के लिए ये एक मायूसी भरी खबर रह सकती है। अनुदेशक और शिक्षा मित्रों से संबंधित खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।